और यहाँ पर एक और ईयरबड्स आ चुके हैं दोस्तों हमारे पास, और इसमें आपको डायमंड कट दिया हुआ है यहाँ पे ईयरबड्स और ईयरबड्स के केस में। और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है दोस्तों, तब तक हम लोग यहाँ पे आराम से आसन जमा के म्यूजिक टेस्टिंग करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर वीडियो में 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिए सबसे पहले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों की, आज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग से ईयरबड्स आए हुए हैं ग्रूव्स ब्रांड की तरफ से, जिसमें आपको यहाँ पे डायमंड कट का डिजाइन मिलने वाला है, दैट इज ग्रूव्स इन्फिनिटी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। और इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपए के आसपास, प्राइस पॉइंट ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और हम लोग ऑलरेडी ना ग्रूव्स ब्रांड के काफी ईयरबड्स को रिव्यू कर चुके हैं। ये एक दुबई बेस्ड ब्रांड है जो कि जो ईयरबड्स के लुक एंड फील है उस पर काफी बढ़िया तरीके से फोकस डालते हैं। मल्टीपल यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन के इनके ईयरबड्स मिलने वाले हैं, इनके आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, आपको मल्टीपल ऑफर्स भी चलते रहते हैं, उसको आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। और बाकी इसमें आपको मिलने वाला है बिल्ट इन गेमिंग मोड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लुक एंड फील डायमंड कट के डिजाइन का आपको ईयरबड्स और ईयरबड्स का केस मिलने वाला है। बाकी आउटपुट कैसा है, बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, सब हम डिटेलिंग में चेक करेंगे, ताकि अगर आप एक लग्जरी लुक एंड फील के ईयरबड्स कंसीडर करने का सोच रहे हैं दोस्तों, वीडियो के एंड तक पॉज से आप डिसाइड कर लेंगे कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको ग्रूव्स इन्फिनिटी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे बिल्कुल यहाँ पे आपको प्रीमियम सा बॉक्स मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से। इसको हम अनबॉक्स करेंगे तो आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पैक मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको मिलने वाला एक यूजर मैनुअल, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स है, टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी भी मिल जाएगी, यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। एक एडिकेट लेंथ की टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर ईयरबड्स केस। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको ऐसे कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे आपको डायमंड कट का डिजाइन दिया गया केस पार्ट को लेके। पूरे यहाँ पे आपको ऐसा मैट फिनिश का केस मिल जाएगा, पूरा कॉम्पैक्ट सा, साइड में आपको ऐसा लुक एंड फील मिलने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट सा अच्छा डिजाइनिंग आपको केस मिलने वाला है। फ्रंट में आपको ग्रूव्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट दी गई है, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पस के लिए, ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया केस पार्ट में। और जो बिल्ड है यहाँ पे आपको इंप्रेसिव मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और बहुत ही कॉम्पैक्ट केस है, पिद्दा सा केस दिया गया है, पॉकेट में कैरी करते हैं, पोर्टेबल तरीके से कहीं भी कैरी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और केस को ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स बढ़िया तरीके से पैक्ड है। इसमें आपको मिलने वाले हैं मैग्नेट्स, ईयरबड्स नहीं गिरते वैसे केस के अंदर से, और जो केस का लॉक है ऐसे ही बंद हो जाता है, इसको आपको ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन हिंजेस जो दिए गए हैं बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलने वाले हैं, प्रॉमिसिंग। और बड्स आपको मिल जाएंगे चैम शेप के, ऐसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है, ग्रूव्स की ब्रांडिंग दोनों में लगी हुई मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसे हल्का सा डायमंड कट दिया हुआ है बड्स को लेकर भी, इसमें आपको ऐसे मैट फिनिश और ग्लॉसिनेस का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे आपको क्लासिक बेसिक लुक एंड फील के आपको बड्स मिलने वाले हैं। फिटिंग पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लाएंगे लाइट वेट ईयरबड्स से आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और अच्छा पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी प्रोवाइड करते हैं, ईयरबड्स लगाते से ही 80-85% बाहर की नॉइस कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने काफी कोशिश की हुई है दोस्तों, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं, रनिंग जॉगिंग वर्कआउट कुछ भी करेंगे, ईयरबड्स लगा के कानों से ये नहीं गिरने वाले हैं। इसके टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, हमेशा इधर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स पार्ट। तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 10mm डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, कॉर्ड माइक से सेटअप, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, बिल्ट इन आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, 5 से 6 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और ईयरबड्स को आप लगभग 3 से 4 बार फुली चार्ज कर सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। और यहाँ पर आपको अप्रॉक्सिमेटली 120 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम मिलने वाला है ईयरबड्स के केस के थ्रू। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फीचर्स यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाले, बताते एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिएगा, यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको मैनेजेबल डिसेंट फीचर्स मिल जाएंगे। बात करेंगे इसके टच कंट्रोल्स की, उसका हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी ईयरबड को ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं 2 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे तो ट्रैक चेंज होते हैं नेक्स्ट ट्रैक और प्रीवियस ट्रैक पे, लॉन्ग प्रेस करने से ट्रैक चेंज करेगा। किसी भी ईयरबड को यहाँ पर अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे जो वॉइस एसिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे जो लास्ट नंबर है वो रीडायल हो जाएगा, किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। यही आपको बेसिक टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं जो कि डिसेंट तरीके से वर्क करते हैं। और इसमें आपको ऐसे कोई गेमिंग मोड में एंटर करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको बिल्ट इन गेमिंग मोड दिया गया है। इसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 50-60 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की ब्रांड की तरफ से, लेकिन वो कहते जस्टिफाई करती है, आप देखिए BGMI गेम टेस्ट के थ्रू। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका SBC कोडेक ऑन करके गेमिंग करी थी, जो लेटेंसी क्लेम की 50-60 मिलीसेकंड के आसपास, यहाँ पे मुझे अप्रॉक्सिमेटली 60 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी लगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा परफेक्शन भी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको इंप्रेसिव गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सीरीज सेपरेशन यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा, एनिमीज लेफ्ट से नहीं राइट से आ रही है, इन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको अच्छा मिलने वाला है गेमिंग के टाइम पे, इसको आप यहाँ पे डिसेंट गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की।
इसमें आपको 10 mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं एसबीसी एसी कोडेक के सपोर्ट के साथ। साउंड लीकेज की बात करेंगे, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं, ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा। फैन के नीचे बैठे हुए हैं, फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे, कोई साउंड लीकेज इशू देखने को नहीं मिलेगा। शांति में आप बैठे हुए हैं, 80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे, हल्का हल्का ना के बराबर आप बोल सकते हैं साउंड लीकेज इशू देखने को मिलेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पर आपको बिल्कुल वेल बैलेंस्ड आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको डिटेलिंग पार्ट को लेके, वोकल्स को लेके, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रॉपर आपको ट्रेबल्स चाहिए और वेल बैलेंस्ड यहाँ पर आपको बेस इफेक्ट्स चाहिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको जो बेस इफेक्ट्स है काफी आपको वेल बैलेंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे मेनली किसी भी जॉनर का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, इसको आप डेफिनेटली क्रिस्प ऑडियो के लिए डिटेलिंग पार्ट से कॉम्प्रोमाइज न करते हो, यहाँ पे आपको वेल बैलेंस बेस इफेक्ट्स चाहिए, उस पर्पस पे इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। बेस इफेक्ट्स यहाँ पे आपको प्रॉपर पंचनेस मिलने वाली है, अच्छे आपको डेपनेस मिल जाएगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड नहीं है। और यहाँ पर इसमें आपको मिलने वाला है 4 माइक से सेटअप एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ। उसके लिए आप देखिए आप हमारा HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस रेस्ट कर रही थी। रेस्ट किया जा रहा है, ओके। हमें एक कॉलिंग टेस्ट करना है अभी। हाँ, ग्रूव्स ब्रांड ने अपने ग्रूव्स इंफिनिटी ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, तो इसका मैं फिलहाल कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ ऐसे पार्क में घूम करके नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पे हवा अच्छी खासी चल रही है और थोड़ा बहुत यहाँ पे पीछे हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मेरी आवाज आपको कैसी आ रही है कंपैरेटिवली? आवाज तो समझ में आ रही है, लेकिन मुझे बैकग्राउंड की एक्टिविटी हल्का फुल्का, मतलब ज्यादा नहीं, और विंड नॉइज हल्की फुल्की आ रही है। तो मेरी आवाज से ऐसे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकते हैं नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से? 75-80% फोकस है। हाँ ठीक है, थोड़ा ट्रैफिक कंडीशन में जाएंगे, बताइएगा वहाँ कैसी कॉलिंग है इसकी। ठीक है ठीक है। हाँ दीक्षा। हाँ, अब यहाँ पर मैं सेम ईयरबड से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं हाई रोड के पास आ गया हूँ, हमेशा की तरह जैसे रोड साइड कंडीशन है। हाँ, तो इस साइड से काफी गाड़ियाँ भी जा रही है, हवा भी चल रही है, तो अब तो मैं कंफर्टेबली, मेरी आवाज कैसी आ रही है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन? आवाज तो अभी भी समझ में आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड की एक्टिविटी, गाड़ियों के आने जाने की आवाज, थोड़ी सी विंड नॉइज, वो भी समझ में आ रही है साथ में। तो यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज पे कितना फोकस बोल सकते हो अभी? अभी 70% तक। 70% अभी फोकस है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली इसको यहाँ पे आप नॉर्मल कंडीशन की कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रखते हैं, यहाँ पे आपका इंडोर कंडीशन में काम रहता है, नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में कॉलिंग करते हैं उस पर्पज से चेकआउट कर सकते हैं। ट्रैफिक कंडीशन में एक्टिविटीज थोड़ी बहुत साफ साफ कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, लेकिन आपके पास में यहाँ पे डिसेंट तरीके से फोकस रहेगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन की कॉलिंग के लिए, नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में, नॉर्मल इंडोर कंडीशन में इसको यहाँ पे डिसेंट कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी से गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 out of 10, इसके कॉल क्वालिटी दूंगा मैं नॉर्मल कंडीशंस में आप बोल सकते हैं 8 out of 10, इसे गेमिंग एक्सपीरियंस दूंगा मैं यहाँ पे 8.5 out of 10। दिस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपए के आसपास है, और 1300 रुपए के हिसाब से ये एक डिसेंट पैकेज है, मतलब फीचर्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेनली वर्क किया हुआ है, यहाँ पे जो ग्रूव्स ब्रांड है डिजाइन में बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर अगर आपको थोड़े लग्जरी लुक एंड फील के ईयरबड्स का केस चाहिए और ईयरबड्स चाहिए, फिटिंग आपको परफेक्ट मिल जाएगी, वेल बैलेंस यहाँ पे आपको म्यूजिक और बेस का आउटपुट मिलने वाला है, डिसेंट आपको कॉलिंग, डिसेंट आपको गेमिंग मिलने वाली है, उस पर्पस की इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए टेस्टिंग के साथ, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया खुद के लिए, किसी गिफ्ट पर्पस के लिए ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रूव्स इन्फिनिटी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।